चलो चलो बोट पे चलो। अभी हम लोग बोट पे जा रहे हैं। नहीं जा रहे, 100 में 4। अच्छा अच्छा, हम लोग मुक्तिधाम आ गए और यहाँ पे पीछे बहुत अच्छा बड़ा गार्डन है और वहाँ पे देखिए शिव जी का मंदिर है और यहाँ से हम लोग फुल फैमिली और लोग सब आ गए। देखो दीदी है, विकास चाचा है, खुशबू दीदी है, शिवम भैया है। अभी हम लोग सब यहाँ से चलेंगे, अंदर घूमेंगे, थोड़ा बहुत फोटो वोटोज लेंगे। चलिए अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, यहाँ से फुल फैमिली अभी अंदर घुसते हुए इंटर होते हुए। यहाँ पे लेक है, बहुत बड़ा तालाब है। तो गाइस अभी हम लोग बड़लगंज के सबसे फेमस गार्डन में आ गए और यहाँ पे शिव शंकर जी का मूर्ति है और बहुत अच्छे अच्छे भगवान जी का मूर्ति है। ये देखिए लक्ष्मी माता जी है, शिव शंकर जी है, पार्वती जी है और यहाँ पे सब बच्चे लोग घूमने उमने आए हैं। यहाँ पे फोटोज़ के लिए बहुत अच्छी जगह है और हम लोग भी अभी फ़ोटोज़ लेंगे थोड़े बहुत अच्छे अच्छे। और इसके बाजू में सरजू नदी है, वो भी हम दिखा देंगे आपको। सरजू नदी भी वहाँ पे घूमते हैं बहुत जन और वो ये नदी हम लोग मुक्ति पथ के नाम से जानते हैं। ये देखिए सब सेट में कटे हुए असली झाड़ है असली। भरत लाला जी, सभी देवताओं के मूर्तियाँ यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे सब कोई अपना अपना वीडियो ऑडियो निकालने में मग्न है। ये हमारे खुशबू दीदी, ये शिवम भैया, अभी वहाँ पे जाएंगे घूमने। ये कॉलेज की लड़की आप आई अभी यहाँ पे थोड़े बहुत जानवर भी मिलेंगे देखने, एनिमल्स। तो वो देखो शुतुरमुर्ग, ये बतख, उसकी हाइट देखो कितनी बड़ी है। ये बतख काटते हैं शायद, ये बतख। कौन कौन है यहाँ पे? ये देखो यहाँ पे खरगोश भी है, ये काटे वाला। अरे इसको आप गाइस ध्यान से देखिए, ये काटे वाले प्राणी है। इसका नाम तो नहीं मालूम मुझे, साई साई, इसको साई बोलते हैं गांव में। अगर ये काटा फैला देना तो इसके कांटों में बहुत जहर होता है। कितना बड़ा बड़ा और एकदम बड़े बड़े ये लोग, जाने दो, इनसे दूर ही रहे तो अच्छा है। और इसमें कौन है? अरे इसमें खरगोश है, सफेद खरगोश, ये ब्राउन खरगोश। और ऊपर ऊपर क्या है? ऊपर नहीं कुछ है क्या? डरा रहा है। क्या बोले? नहीं नहीं इतना भारी भारी कैमरा क्या करेंगे। ये शुतुरमुर्ग बहुत बड़ा है और बहुत तेज भागता है ये।
मेरे पीछे शिव शंकर जी का बहुत बड़ा मूर्ति है, यहाँ पे कम से कम 20 फुट से भी ऊपर है और बहुत अच्छे दिख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखो फूल पत्तियों का डिजाइन भी बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे सब खेती बाड़ी वाले लोग रहते हैं ना, तो सब जानते हैं कौन सा क्या डिजाइन करना है। देखिए यहाँ पे सब पौधा एकदम डिजाइन में काटा गया है, एकदम खतरनाक और एकदम मस्त दिख रहा है। ये भी देखिए बहुत घूमना है। चलो अभी नदी के ऊपर भी जाना है बोट से। तो गाइस अभी हम लोग शिव शंकर जी को देखे, अभी हम लोग अंदर से उनके ऊपर जाएंगे। देखो गाइस अभी हम लोग ऊपर आ गए हैं और यहाँ से नज़ारा देखो कैसा। ये हमारे ऊपर शिव शंकर जी, और अंदर पे गणेशा जी है। रागनी इधर आए, अंदर शिव शंकर जी के भगवान शिव का हरी रात्मक रूप सबको ही देखो। चलो घूम चुके हैं यहाँ का गार्डन और अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे कहीं बाहर और भी कोई जगह देखेंगे जहाँ पे घूमना उमना हुआ। ये अपने शिव शंकर जी, इनका आशीर्वाद हमेशा बना रहे हमारे पे। और ये सत्यमेव जयते का चिन्ह, ये हमारे भाई चलो जल्दी में है, चलो घर पे। तो गाइस अभी हम लोग बोट में जा रहे हैं, अभी मैं यहाँ से घूमने वाला था लेकिन बच गया अभी। तो गाइस अभी हम लोग बनारस आ गए हैं, बनारस की नदी में मजा ले रहे हैं। अभी हम लोग एक साथ डूबने वाले थे। इंडिया का प्लान गाइज अभी हम लोग आ गए हैं बोट का मजा लेकर, अभी बोट से उतर के अभी हम लोग इधर आए हैं। ये हमारे सभी शहीद लोगों की यादों में बनाया गया ये देखिए। और वहाँ पे आगे बॉडीज को जलाया जाता है, दिखाऊँ कि नहीं दिखाऊँ गाइज, तो भी दिखा देता हूँ कोई नहीं। ये देखिए पीछे बहुत बड़ा मूर्ति है माँ लक्ष्मी जी का, और वहाँ पे बॉडीज को जलाया जाता है। देखिए वहाँ पे धुआं निकल रहा है। तो भारत माता की जय। सो गाइस अभी हम लोग बहुत घूम लिया और आज का ब्लॉग इधर ही एंड होता है। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए कैसा है कैसा नहीं, और क्या क्या बताना चाहिए वो भी बताइए। तो चलिए बाय।